सोशल मीडिया के अंदर बुक मार्किंग का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों। बुक मार्किंग आपके बिजनेस को ग्रो कर सकता है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। तो आज मैं हितेश गुप्ता मार्केटिंग फंडाज में सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्स में आज आपको इनडेप्थ फुल गाइड दूंगा कि बुक मार्किंग क्या होती है, सोशल मीडिया के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसके फायदे क्या होते हैं, और प्रैक्टिकली मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप बुक मार्किंग कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों सोशल बुक मार्किंग के ऊपर ये कंप्लीट ट्यूटोरियल है जिसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आप सोशल बुक मार्किंग करना भी सीखोगे। ये आपको सोशल मीडिया में तो फायदा देता ही देता है, साथ के साथ SEO में इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसके साथ साथ अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो बिना पैसा लगाए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप सीख सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी हमारे चैनल पे 1000 से ज्यादा वीडियोस है विद लेटेस्ट कंटेंट, और आने वाले एक साल के अंदर हम 1000 नए वीडियोस 30-35 नए कोर्सेज ला रहे हैं ताकि आप लोगों को इन डेप्थ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती रहे। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत कर लीजिए ताकि आप कुछ मिस ना करें। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundaz.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सोशल बुक मार्किंग क्या होती है, सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट्स क्या होती है, उनका पर्पस क्या है, कुछ फेमस पॉपुलर सोशल मीडिया बुक मार्किंग वेबसाइट्स आपको बताएंगे, और आपको सोशल बुक मार्किंग प्रैक्टिकली आप कैसे कर सकते हो वो भी आपको सिखाएंगे। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल वीडियो है दोस्तों। सोशल बुक मार्किंग एक एक्टिविटी है जिसमें आप ऐड कर सकते हो या शेयर कर सकते हो अपनी इंफॉर्मेशन, लिंक्स डिफरेंट वेबसाइट्स पे जो अलाउ करती हैं लिंक बिल्डिंग या कंटेंट शेयरिंग अपने प्लेटफॉर्म्स पे। ये जो वेबसाइट्स हैं ये अलाउ करती हैं यूजर्स को टैग करने के लिए भी, आप ऐड या एडिट भी कर सकते हो अपने डिस्क्रिप्शन या इंफॉर्मेशन, आप वोटिंग कर सकते हो, कमेंटिंग कर सकते हो, और काफी अलग अलग फीचर्स हैं डिपेंडिंग ऑन दोज डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड वेबसाइट्स। सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट्स हेल्प करती हैं स्ट्रक्चरिंग में और डाटा कलेक्टिंग में, इंफॉर्मेशन में आपके द्वारा, या आप उस इंफॉर्मेशन डाटा को दूसरे ऑनलाइन यूजर्स के संग भी शेयर कर सकते हो। सो दैट इफ को एनी ऑनलाइन यूजर अगर सर्च करता है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो उसको आपका इंफॉर्मेशन, लिंक या कंटेंट भी उसको इजीली मिल सकता है। इससे क्या होता है कि लोग आपके संग जुड़ते हैं। ये जो वेबसाइट्स होती हैं सोशल बुक मार्किंग की, यहाँ पर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और अदर यूजर्स या ऑनलाइन कम्युनिटी के संग भी इंटरेक्ट कर सकते हो, तभी इन वेबसाइट्स को सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट्स बोला जाता है। What is the use of social bookmarking websites? तो social bookmarking websites या जो platforms हैं वो majorly use करे जाते हैं social media marketing के लिए, और वो SEO में भी help करते हैं, क्योंकि लोग हों या businesses हों वो social bookmarking की जो sites हैं वो use करते हैं promote करने के लिए, अपना content share करने के लिए to online users जो उनके business या product services से related हों, relevant हों। ये हेल्प करता है SEO में भी, बिकॉज सोशल बुक मार्किंग से जब आप अपना कंटेंट शेयर करते हो और लोग आते हैं तो वो आपके सोशल मीडिया पे विजिट करते हैं, आपकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है, इससे आपकी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक और यूनिक ट्रैफिक आता है। तो दोस्तों ये हेल्प कर रहा है हमारी ऑर्गेनिक रीच में, ब्रांडिंग में, ट्रैफिक में, लीड्स में, सेल्स में एसेट्रा। तो इसलिए सोशल मीडिया जो वेबसाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, पॉपुलर हैं, और लोग इसको यूज़ करते हैं। अब हम कुछ मोस्ट पॉपुलर साइट्स के बारे में जानते हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं, और अगर देखा जाए तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो फेमस हैं लाइक फेसबुक, इंस्टा, ये सब, ट्विटर वगैरह, ये सब भी सोशल बुक मार्किंग के लिए यूज होते हैं। बट स्पेसिफिकली अगर बात कर रहे हैं मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया वेबसाइट्स, तो जैसे MySpace है, टम्बलर है, डिगो है, Slashdot है, रेडिट है, स्कूपिट है, लिंक्डइन कॉर्पोरेट है, आपका गूगल बुक मार्क्स है, VK.com है, पल्क है। तो दोस्तों ऐसी और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो वो आप इजीली गूगल पे जाके सर्च करके उनकी लिस्ट निकाल सकते हो, उनका डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी, पेज रैंकिंग हमेशा चेक करना किसी के संग भी आप अगर अपने अकाउंट क्रिएट कर रहे हो।
अब हम आपको बनाना सिखाएंगे, क्रिएट करना सिखाएंगे एक सोशल बुक मार्किंग, कैसे आप कर सकते हो, कैसे अकाउंट बना सकते हो, कैसे आप सोशल बुक मार्किंग कर सकते हो। वो आपको एसईओ में भी हेल्प करती है, ट्रैफिक लाने में भी हेल्प करती है। तो दोस्तों अच्छे से सीखिएगा प्रैक्टिकली, देखते हैं कि किस तरीके से हमें सर्च करना होता है सोशल बुक मार्किंग साइट्स। जैसे हम यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल पे, अब चाहे हमने सर्च करा सोशल बुक मार्किंग साइट्स लिस्ट, चाहे हम 2019 डाल दें, तो इस हिसाब से हमारे पास ये तो टॉप 10 सोशल बुक मार्किंग साइट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली लोग यूज़ करते हैं। पर उसके अलावा भी जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं और बहुत सारे हमारे पास वेबसाइट्स हैं। देखिए यहाँ पर इतनी सारी सोशल बुक मार्किंग साइट्स हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि सोशल बुक मार्किंग तो आप बहुत सारी जगह पे कर सकते हैं, बट आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा जो हर वेबसाइट जिसका आप सोशल बुक मार्किंग करेंगे उसका DA & PA मतलब डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी, आपकी जो वेबसाइट से ब्लॉग है उसका जो डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी है उससे बेहतर होना चाहिए, क्योंकि उसके बराबर या उससे लो पे करने का कोई फायदा नहीं है। तो हमेशा अपने से बेहतर वाले से जब आप नेटवर्किंग करेंगे, लिंकिंग करेंगे, तो उसका आपको बेनिफिट मिलता है। तो आइए, हमने कुछ 2 से 3 वेबसाइट्स ओपन करके रखी हैं टू सेव टाइम, जिसपे हमने ऑलरेडी अपने अकाउंट क्रिएट कर रखे हैं। देखिए इसका PA कितना है, इसका DA कितना है, तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो एक वेबसाइट है ट्रम्बलर, ये बहुत मशहूर वेबसाइट है, तो इसमें हमने अपना अकाउंट बना रखा है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो अपनी आप ईमेल आईडी से अपना अकाउंट पहले क्रिएट करेंगे, बहुत सिंपल स्टेप्स होते हैं, 2-3 जैसे आप नॉर्मल अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। और उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपको इसमें बुक मार्किंग सबमिशन करना है। तो लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आपके सामने पेज आएगा। अब आप ये जो लिंक का आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमें लिंक क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद हमने कुछ डिस्क्रिप्शन टाइटल हमने सेव करके रखा हुआ है जिससे हमारा टाइम सेव हो। तो आपका जो भी ब्लॉग का आपका वेबसाइट है या आपका नॉर्मल वेबसाइट है, तो उसका जो भी URL होगा, लिंक होगा, उसको आप कॉपी करेंगे और यहाँ पर आके आप पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखिए कुछ हमारी इन्फॉर्मेशन इसने फेच कर ली है ऑलरेडी हमारे ब्लॉग से, और हमारी वेबसाइट होती तो वहाँ से भी कर लेता। इसके बाद हम यहाँ पर दोबारा जाएंगे और ये हमारी कुछ डिस्क्रिप्शन है जो हमने बना के रखी हुई है, इसको भी हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाके हम डिस्क्रिप्शन में इसको ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद कुछ टैग्स होते हैं जो कि आपकी सर्विस या आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको पुट करने होते हैं। तो इस तरीके से हमने टैग यहाँ कॉपी करा और यहाँ पर जाके टैग पेस्ट कर दिया, गए एक और टैग हमने कॉपी करा और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। टैग पे पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर पोस्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम शेयर करेंगे, यहाँ पर देखिए आप क्लिक करा हमने, नाउ यू कैन सी, ये देखिए हमारा टम्बलर पे हमारा URL क्रिएट हो गया है। तो इसको आप लिंकिंग भी कह सकते हैं, बैकलिंकिंग भी कह सकते हैं, सोशल बुक मार्किंग भी कह सकते हैं। तो हमारा टम्बलर में पूरा आप डिटेल दे सकते हैं जो हमने पुट करी है। तो इस तरीके से कितना इजी होता है अपनी वेबसाइट की सोशल बुक मार्किंग करना किसी भी साइट पोर्टल पे, और हर वेबसाइट का अपना फॉर्मेट होता है, सबका बिल्कुल सिमिलर नहीं होता। तो ये बस इजी होता है, उसमें सब कुछ गाइड मतलब क्लियर होता है कि आपको ऐसे ऐसे करना है, और वो आप 5-7 मिनट में कर सकते हैं। अब ये एक साइट है plurk.com, ये बहुत ही मशहूर वेबसाइट है। इसकी भी आप देखिए पेज अथॉरिटी कितनी है और इसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है। और इस वेबसाइट पे यहाँ पर देखिए हम ऑलरेडी लॉगिन है, तो हमारा टॉप गुरुज के नाम से ऑलरेडी यहाँ लॉगिन है। यहाँ पर भी हम जाएंगे, हम अपना URL कॉपी करेंगे, हम URL यहाँ पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम वापस यहाँ आएंगे, अपने डिस्क्रिप्शन को हम कॉपी करेंगे और उस डिस्क्रिप्शन को हम यहीं पर इसके आगे पेस्ट करेंगे और हम प्लर्क के बटन पे क्लिक कर देंगे। यू मस्ट कंफर्म योर ईमेल आईडी बिफोर यू कैन पोस्ट एनी लिंक्स, हमने करा ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम अपनी ईमेल आईडी पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या वहाँ से कोई कंफर्मेशन मेल आई है हमारे पास।
अभी तो यहाँ हमें कोई मेल शो नहीं कर रहा है, एक बार ही हम ऑल मेल्स में चेक कर लेते हैं, सर्च करके भी देख लेते हैं। तो अभी वहाँ से हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, ठीक है? तो कोई इशू नहीं दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जो कंफर्मेशन मेल होती है थोड़ी सी लेट हो जाती है, तो हम आगे बढ़ते हैं और जैसे हमारे पास मेल आएगी उसको हम कंफर्म करेंगे तो इसको हम यहाँ पर पोस्ट कर देंगे, तो वहाँ यहाँ पर भी हमारा सोशल बुक मार्किंग का लिंक क्रिएट हो जाएगा। अब एक थर्ड वेबसाइट पे जाते हैं, इस वेबसाइट का नाम है स्कूपिट। तो स्कूपिट पे भी हमने लॉग इन कर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा लॉग इन है। इसकी देखिए पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी कितनी अच्छी है। तो आपको हमेशा अपनी वेबसाइट या ब्लॉग से बेहतर, जिनकी डोमेन और पेज अथॉरिटी है उससे बेहतर पे ही आपको हमेशा अपना लिंक बनाना है। तो अब यहाँ पर हम जाएंगे, फिर दोबारा से हम अपना यूआरएल कॉपी करेंगे दोस्तों। कॉपी करने के बाद हम अपना यूआरएल यहाँ पर पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो पोर्शन है, यहाँ पर हम अपना जो डिस्क्रिप्शन है इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, यहाँ पर हम अपने टैग्स डालेंगे, पेस्ट करेंगे, अगला टैग कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे, पब्लिश करेंगे, देखिए योर स्कूप हैज बीन सक्सेसफुली पब्लिश टू योर स्कूप इट टॉपिक क्रिएटिव वेबसाइट डिजाइनिंग इन दिल्ली, व्यू योर स्कूप। अब हमें अपना स्कूप व्यू करना है तो हम क्लिक करेंगे, ठीक है दोस्तों? अब आप देख सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा जो स्कूप है क्रिएट हो चुका है और जो हमारा लिंक है वो भी इसमें बन चुका है, ठीक है? तो इस तरीके से आप ये जो भी अपनी बुक मार्किंग करेंगे इसकी हमेशा एक रिकॉर्ड अपने पास बना के रखिएगा, अपना यूजर नेम, पासवर्ड, अपना यूआरएल जो आपका क्रिएट हुआ उसका लिंक, आपका सबमिशन, उनकी डिटेल हमेशा एक एक्सेल अपने पास हमेशा बना के रखिएगा। उसका मैं आपको एक सैम्पल दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए। तो ये हमारे सोशल बुक मार्किंग के जो हम जहाँ पर करते हैं और ये डेट के हिसाब से, क्योंकि ये इस तरीके की एक रॉ जो एक्सेल होती है ये एसईओ के टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए हमने हर चीज़ की हमने बना रखी है, चाहे रैंकिंग है, डायरेक्टरी सबमिशन है, फॉरम है, एसईएम है, ब्लॉग है, क्लासिफाइड है, ये डाटा आपके पास हमेशा मैनेज रहिए, लाइफ लॉन्ग काम आता है, ठीक है? और इसी से आपकी वर्थ पता लगती है कि आपने कितना क्वालिटी काम करा और आपने कितनी मेहनत करी है, बिकॉज काम करने के साथ साथ आपको रिपोर्टिंग भी इंपॉर्टेंट होती है और आपको खुद भी इस डाटा से अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। तो देखिए सबसे इजी है सोशल बुक मार्किंग करना, बहुत इफेक्टिव है, आपकी लिंक बिल्डिंग हर चीज़ इससे बढ़ती है, प्रेजेंस बढ़ती है, विजिबिलिटी बढ़ती है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे करिए, रेगुलर करिए और अपने आप को एसईओ में टॉप पे लेकर आइए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा, अगर पसंद आया कमेंट सेक्शन में बताइए, आपकी कोई क्वेरी है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम उसके ऊपर वीडियोस और कोर्सेज लेकर आएंगे। दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग या आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारी एजेंसी से और मुझसे लेना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर आप जा सकते हो, हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों आप सब लोगों की डिमांड पे हमने डिजिटल मार्केटिंग का एक प्रोफेशनल ग्रुप बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उस लिंक को ज्वाइन करके आप डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज गेन कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग की अपनी नॉलेज दूसरों तक पहुंचा सकते हो। वो एक कम्युनिटी है, एक ग्रुप है जहां पर एंटरप्रेन्योर्स, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजर्स, हर कोई वहां पर अवेलेबल है और उस कम्युनिटी से हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाइए और ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।